अमेरिका के साथ फाइटर प्लेन डील पर इंडिया के एतराज से चिढ़ा पाक। F-16 डील पर इंडिया के विरोध पर पाकिस्तान ने हैरानी जताते हुए कहा कि इंडिया खुद सबसे बड़ा डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्टर है, इसके अलावा उसके पास हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा है। US ने एंटी टेररिज्म कैंपेन के लिए डील को जायज ठहराया था। इशरत केस में अहमद पटेल की सफाई, कहा राजेंद्र कुमार के आरोप बेबुनियाद। इशरत जहां एनकाउंटर मामले में सच्चाई छिपाने के आरोप पर कांग्रेस लीडर अहमद पटेल ने सफाई दी है। IB के एक्स डायरेक्टर के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए उन्होंने कहा कि असल मुद्दों से ध्यान हटाया जा रहा है। राजनाथ के दावे पर अपोजिशन का हल्ला बोल, कहा JNU नारेबाजी में हाफिज सईद का हाथ होने का दें सबूत। JNU की जो घटना हुई है उसे लश्करे तोयबा के चीफ हाफिज सईद का भी समर्थन प्राप्त है। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला ने JNU में देशद्रोह को लेकर राजनाथ सिंह के बयान पर निशाना साधा है। ट्वीट कर उमर ने पूछा कि अगर उनके पास इसके सबूत हैं तो दिखाएं। वहीं सीताराम येचुरी ने BJP पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बापू के हत्यारों से हमें कोई सीख नहीं चाहिए। आप सरकार का एक साल पूरा, कांग्रेस ने केजरीवाल को दिखाए काले झंडे। सीलमपुर में पॉली क्लिनिक का इनॉग्रेशन करने पहुंचे CM केजरीवाल को कांग्रेस ने काले झंडे दिखाए। वहीं BJP ने आप सरकार की पहली सालगिरह को ब्लैक डे के तौर पर मनाया। नाबालिग से रेप के आरोपी MLA को RJD ने पार्टी से निकाला। MLA राजवल्लभ प्रसाद यादव को RJD ने पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया है। राजवल्लभ पर बिहार शरीफ में नाबालिग लड़की से रेप करने का आरोप है, फिलहाल वो फरार है। MP में ट्रेन के ऊपर चढ़ा लड़का इलेक्ट्रिक लाइन से झुलसा। इंदौर में ट्रेन पर ऊपर चढ़ा एक लड़का इलेक्ट्रिक तार से चिपक कर बुरी तरह जल गया। जब तक उसे नीचे उतारा गया उसकी बॉडी बुरी तरह जल गई थी। लड़के की हालत नाजुक बताई जा रही है। रईस की शूटिंग के दौरान शाहरुख की कार पर पत्थरबाजी। अहमदाबाद में शूटिंग सेट के बाहर खड़ी कार पर कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की। इस दौरान शाहरुख हाय हाय के नारे भी लगाए गए। कुछ दिन पहले भी गुजरात में शाहरुख का विरोध हो चुका है। नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए दैनिक भास्कर .com।